नमस्कार, और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सिरसा पार्ट टू में। हम आपको ले चलते हैं हुड्डा सेक्टर से होते हुए बरनाला रोड पर। इस समय हम हुड्डा में हैं। हुड्डा की इन खास सड़कों से होते हुए हम लोग बरनाला रोड पहुंचेंगे। अगर हम बात करें हुड्डा सेक्टर की, तो यहां पर बहुत खूबसूरत कोठियां बनी हुई हैं। सेक्टर में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको एक नक्शा मिलेगा, जो आपको हुड्डा के एरिया से लेकर सेक्टर के घरों और गलियों तक की जानकारी देगा। हुड्डा सेक्टर की एक खास पहचान बन चुकी है ये हवेली। लाल पत्थरों से बनी ये कोठी इस सेक्टर की खास पहचान बन चुकी है। इसी रोड से होते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जहां हम पहुंचेंगे कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर की कोठी के आगे से, जो कि महिला पुलिस थाना के बिल्कुल बगल में है। ये पुलिस लाइन के क्वार्टर भी आप बगल में देख सकते हैं। हुड्डा सेक्टर का नक्शा बेहद खूबसूरत है। करोड़ों की लागत से यहाँ पर सड़कें नई बनाई गई हैं। सामने बेहद खूबसूरत पार्क भी हैं, जहाँ जो महिला थाना के बिल्कुल सामने हैं। इसके बाद हम पहुँच चुके हैं बरनाला रोड पे, जहाँ हम JCD विद्यापीठ, डिस्ट्रिक्ट जेल, द सिरसा स्कूल और भी अन्य कई जगहें दिखाएंगे, जो न केवल बरनाला रोड की पहचान है बल्कि सिरसा ज़िले की शान भी है। अब हम पहुंचे हैं बरनाला रोड के हाउसिंग बोर्ड में, जहां पर बिजली घर भी मौजूद है। इस रोड के दोनों तरफ कभी टीले हुआ करते थे, लेकिन अब ये जगह पूरी तरह से आबाद है। अभी कुछ देर में हम इस ढलान से नीचे उतरेंगे तो JCD विद्यापीठ हमारे सामने होगी, और इसी के सामने है सिरसा स्कूल। JCD विद्यापीठ के बिल्कुल बगल में ATM की भी व्यवस्था है, और यहाँ पर बैंक भी है। भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा यहाँ पर है। आगे रास्ता चंडीगढ़ और मानसा को जाएगा। अब आपको दिखाते हैं ये JCD के सामने वो ट्रॉफी टैंक T-55। ये मैन बैटल टैंक है, जो इंडियन आर्मी ने JCD को दिया था। ये यहाँ पर आने वाले युवाओं को जो आर्मी के इतिहास और शक्ति का एहसास कराता है। ये वो टैंक है जिस पर देश को नाज है। 30 मई 2018 को ये यहाँ पर रखा गया था। जब JCD के बिल्कुल सामने आप एक नज़र दौड़ाएंगे तो वहाँ आपको दिखेगा दास सिरसा स्कूल, जहाँ पर हजारों बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। इसके बाहर ऑटो रिक्शा स्टैंड भी है, जहाँ से आप शहर के अंदर जा सकते हैं। ये स्कूल JCD विद्यापीठ के बिल्कुल सामने है। अब आइए चलते हैं थोड़ा और आगे, जहां पर हम आपको जिला जेल दिखाएंगे, यानी डिस्ट्रिक्ट जेल। सुरक्षा के यहां पुख्ता प्रबंध है, जिस कारण हम आपको जेल के आसपास की ज़्यादा तस्वीरें नहीं दिखा सकते। इसी रोड पर डिस्ट्रिक्ट जेल के बिल्कुल आगे कई ऐसे संस्थान हैं जो धार्मिक और सांस्कृतिक हैं। इसी रोड पर जानकी मंदिर भी स्थित है। इस रोड के दूसरी ओर जेल के बिल्कुल सामने ईरा ग्रुप है। इसे बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है। बरनाला रोड पर शहर की ओर जाने के समय ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें आपका स्वागत करेंगी। ईरा ग्रुप ने सभी बिल्डिंगों को बड़े अच्छे से डिजाइन भी किया है। इसके बाद हम सीधा शहर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर हम लघु सचिवालय, पुलिस लाइन, भगत सिंह स्टेडियम व लालबत्ती चौक से होते हुए हुड्डा चौक की तरफ जाएंगे। इसलिए हम वापस हाउसिंग बोर्ड होते हुए सदर थाना के बिल्कुल पास पहुंच रहे हैं। सदर थाना पहले रेलवे फाटक रोड पर था, जिसे अब नए रूप में हाउसिंग बोर्ड के नज़दीक लाया गया है। महिला पुलिस थाना और सदर थाना एक ही जगह है। इन दोनों थानों को बेहद खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ की जो दीवारें हैं उन पर अच्छे से पेंटिंग की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर के स्वच्छता अभियान तक की खास तस्वीरों को इन दीवारों पर उकेरा गया है। यहाँ थाने के पास में हुड्डा और हाउसिंग बोर्ड का एक मुख्य चौक है। शहर में एंट्री के लिए मेन पॉइंट भी यहाँ पर है। वहीं सदर थाना के बिल्कुल सामने पंचायत भवन पड़ता है, और इसी पंचायत भवन पर नेहरू युवा केंद्र का कार्यालय भी स्थापित है, जो लघु सचिवालय के बिल्कुल बगल में है। अगर आपको पंचायत भवन पहुंचना है तो ये सदर थाने के बिल्कुल सामने है। और अब हम पहुंच गए हैं पुलिस लाइन के मुख्य गेट पर,
ये गेट लघु सचिवालय के बिल्कुल सामने है, जिसमें पुलिस विभाग की रिहायशी कॉलोनी है। यहाँ पर पुलिस विभाग में सभी कर्मचारियों के लिए क्वार्टर आवंटित किए गए हैं। अब हम पहुंचे हैं पुलिस लाइन के दूसरे गेट पर। इस गेट से जब हम अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर DAV पुलिस पब्लिक स्कूल मौजूद है। पुलिस कर्मचारियों के सभी बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। ये स्कूल बेहद खूबसूरत है। DAV स्कूल को अभी हाल ही में शुरू किया गया है। DAV पब्लिक स्कूल का उद्घाटन DGP हरियाणा द्वारा किया गया था। और अब हम पहुँच चुके हैं सिरसा उपायुक्त के रिहाइश के बिल्कुल सामने भगत सिंह स्टेडियम में। दोस्तों, भगत सिंह स्टेडियम सिरसा के लिए बड़ा ही अहम है। स्टेडियम को बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ पर हरियाली बहुत ज़्यादा है। खेल की सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। इसी स्टेडियम के अंदर शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा भी है, जिसे मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने स्थापित किया गया है। अब हम भगत सिंह स्टेडियम से सीधा चलते हैं बाईपास पर, जहाँ पर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है। ये विश्वविद्यालय सिरसा का हृदय कहा जाता है। इसके सामने कृषि विभाग और बागवानी विभाग की जमीन है। वहीं विश्वविद्यालय के अंदर देश की आन बान और शान गगनचुंबी तिरंगा लहरा रहा है, जो साहस के साथ हमें आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहा है। और अब हम फिर से बनाला रोड की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर PWD का रेस्ट हाउस भी है और इसे बाबा भूमन शाह चौक कहा जाता है। इससे पहले इसे इकलौता लालबत्ती चौक कहा जाता था। वहीं PWD रेस्ट हाउस के बिल्कुल सामने रेड क्रॉस सोसाइटी का ऑफिस है। PWD रेस्ट हाउस के पास ही भगत सिंह स्टेडियम और उपायुक्त निवास स्थान है। उपायुक्त निवास स्थान के बिल्कुल पीछे की तरफ लघु सचिवालय है और SP साहब का निवास स्थान भी। इसके बाद हम प्रजापति दक्ष चौक से घूम करके भगत सिंह स्टेडियम के सामने से होते हुए और बाबा भूमन शाह चौक होते हुए हम चलेंगे बाईपास रोड पर स्थित पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निवास स्थान तक। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इसी स्थान पर रहा करते थे जब भी वे सिरसा आते थे। आज भी चौटाला परिवार इसी स्थान पर रुकता है जब भी सिरसा आता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निवास स्थान के बिल्कुल बगल में ही पीछे की साइड में चौधरी रंजीत सिंह उनके छोटे भाई का निवास स्थान है। अब हम हिसार रोड होते हुए महाराणा प्रताप चौक और महाराणा प्रताप चौक से हम अपनी जगह वापस जा रहे हैं। आपके लिए पार्ट 3 यानी सिरसा के पश्चिमी और दक्षिणी भाग के लिए। पश्चिमी भाग में रानिया रोड पर तारा बाबा की कुटिया, गोपाल कांडा का किला और स्वामी खाटूश्याम मंदिर, जैन मंदिर और कई धार्मिक स्थान वहां पर हैं। अगली वीडियो में पार्ट 3 के अंदर ये सब हम आपके लिए लेकर के आएंगे। आप सिरसा का पार्ट 3 ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।